वेलकम गाइज, दिस इज़ रितेश फ्रॉम विनवल रियलिटी सर्विसेज, और मैं आज आपसे वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा. एंड दैट टॉपिक इज़ नथिंग लेस देन लाइक, और ये बहुत रैंडम टॉपिक है, तो हो सकता है मेरे बोलने में आई कैन मिस सम वर्ड्स, या कुछ वर्ड्स 19-20 कर दूँ, या कुछ वर्ड रिपीट कर दूँ. बट ये रैंडम वीडियो है, और रैंडम वीडियोज़ मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि ईजिली इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ, जिसमें ज़्यादा एडिटिंग ये सब की ज़रूरत ना हो. और ये टॉपिक द्वारका एक्सप्रेसवे को मैं लास्ट 11 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ. हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी न्यूज़, बड़ी बड़ी छोटी छोटी डेवलपमेंट जो भी होती थी, कभी भी कोई न्यूज़ आता था, कोई लैंड एक्वायरिंग की न्यूज़ आती थी, कुछ भी आता था, या फिर कोई नए प्रोजेक्ट डिलीवर होते थे, बनते थे, अनाउंस होते, तो आई वाज वेरी एक्टिव. मैं हमेशा जाकर रिसेंट डेवलपमेंट देखता रहा हूं. तो सिंस अब अगर सपोज मान लो कि मैंने इतने साल उस चीज़ को फॉलो किया है, ऑब्जर्व किया है, और फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ऑफ माय फील्ड जो रियल इस्टेट है, उस व्यू से अगर मैंने चीज़ों को देखा है, तो यू मस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. और आई ऑल्सो हैव सम व्यूज़ फॉर दैट एंड सम जस्टिफिकेशंस व्हाट आई कैन गिव टू यू, एंड यू माइट एग्री, यू माइट नॉट एग्री, और मेरे पास हर तरह के उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहले मैं बता दूँ द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर्स कौन से हैं. सो ये मैंने एक अलग से पूरा का पूरा इमेज बनाया है, जिसमें मैंने सिर्फ वो सेक्टर्स को मार्क किया है जिनको हम द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर्स कहते हैं. द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर्स वो हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर कम्यूटमेंट. इसके अलावा और भी सेक्टर्स रोड है, तो एक रोड के नाम से एक पूरी की पूरी लोकेलिटी को बना दी गई है. सो आप देख सकते हो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जो रेड मार्क्ड है आपका इस तरीके से, और इसके अलावा ये जो सेक्टर्स है आपके सारे लाइक 115, 114, 112, 13, सो यहाँ से 99 टू 113, 115 तक तो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है. इसके अलावा 37 को भी हम द्वारका एक्सप्रेसवे की कैटेगरी में लेते हैं. इसके अलावा कुछ एक सेक्टर्स हैं जिसको कभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहते हैं और न्यू गुड़गांव भी कहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है किसका इंक्लिनेशन या किसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ है, तो वो उस हिसाब से उसको मार्केट करता है. बट ये वो सेक्टर्स हैं जो विदाउट डिबेट हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही इसको कंसिडर करते हैं. अब मैं तो सबसे पहले मैंने ना आपको सारे सेक्टर्स बता दिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे के कौन कौन से सेक्टर्स है. दे आर 98 to 115, और उसके अलावा 37D and 37C, ठीक है. सो सबसे पहले ये द्वारका एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो 2006 में एक मास्टर प्लान बनाया गवर्नमेंट ने, या एक मास्टर प्लान इशू किया, उसमें एक गुड़गांव के सेक्टर्स को बढ़ाया गया ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या कुछ लैंड, एक्स्ट्रा लैंड की रिक्वायरमेंट थी. तो गुड़गांव को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए कुछ नए सेक्टर्स अनाउंस किए, जिसमें एक द्वारका एक्सप्रेसवे वाज वन ऑफ द मेजर पोर्शन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे को अनाउंस करने का ये भी रीज़न था कि NH8 पे एग्जिस्टिंग बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, सो वी वॉन्टेड सम ऑल्टरनेट रूट्स ऑल्सो, और जो NH8 से काफ़ी बेहतर होता. सो 2006 में एक मास्टर प्लान आया था कि हाउ गुड़गांव विल लुक इन 2020. सो 2020 का जो मास्टर प्लान आया था कि 2020 में गुड़गांव कैसा होगा, उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे को शो किया गया था. सो एज़ पर 2006 में जो मास्टर प्लान इशू किया गया था फॉर 2020, उस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे आज पूरा ऑपरेशनल होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. बट अब अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट की तरफ भी बदल सकता है. सो आप पूरा का पूरा देख सकते हो कि सिंस कंजेशन को ख़त्म करने के लिए ओल्ड दिल्ली, जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो NH8 था, अब उसको 48 कहते हैं, और इन गुड़गांव के वेस्ट दिल्ली से कनेक्टिविटी इन्हेंस करने के लिए, कुछ नए सेक्टर्स को प्लान करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे को अनाउंस किया गया. और द्वारका एक्सप्रेसवे 210 मीटर्स रोड है विद 30 मीटर ग्रीन बेल्ट ऑन बोथ साइड्स. 28.5 मीटर लॉन्ग है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें 19 किलोमीटर फॉल्स ऑन गुड़गांव रेस्ट इन दिल्ली. स्टार्ट करते हैं खिड़की ढोला से. खिड़की ढोला आपको पता होगा NH8 पर जब आप जाते हो तो जो टॉल वाला पोर्शन, उसको खिड़की ढोला कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करता है और इट एंड्स अप टू शिव मूर्ति. तो वहाँ से वंस इट कम्स अप टू लाइक स्टार्ट होता है, उसके बाद एक बाइफर्केशन इसका द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR हो जाता है, जो अगर आप मुझसे किसी मैप में पूछोगे तो मैं दिखा दूँ कि ये CPR है, दिस इज ऑल्सो द्वारका एक्सप्रेसवे. तो इसके अलावा इस जगह पे भी काफ़ी जगह बाइफर्केशन होते हैं, कुछ एयरपोर्ट जाते हैं, कुछ सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाते हैं, और सारा कंजेशन फ्री और सिग्नल फ्री रोड्स होगा. अंडर पासेज सारी जगह बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, तो इट विल बी कम्प्लीटली सिग्नल फ्री रोड. अब अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल में देखना है, तो ये एक वीडियो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और NHAI ने इशू किया था, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को प्रोजेक्टिव बनाया जा रहा है जिस तरीके से, पूरा का पूरा एनिमेटेड वीडियो है, यू कैन सी, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट कैन एक्सप्लेन एवरी इंच एंड कॉर्नर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, हाउ इट इज़ बीइंग मेड, ठीक है. तो यहाँ मैंने ब्रॉडर कैटेगरीज में भी दिया गया है कि मे 21 तक
कंप्लीट हो जाना चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे एज पर द करेंट प्लान, जिस हिसाब से वहाँ वर्क चल रहा है. और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है. 5 फेजेज़ में इसकी डेवलपमेंट हो रही है, फ्रॉम फेज़ 1 to फेज़ 5. और 5वें फेज़ का आप पढ़ सकते हो, मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है. आप सारा का सारा पढ़ लो, फ्रॉम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 किस तरीके से कैसे चीज़ें सारी की सारी बन रही हैं. इन्फोग्राफिक्स हैं ये, आप देख सकते हो. दिस इज़ फेज़ 1, दिस इज़ फेज़ 2, फिर फेज़ 3 आता है, फेज़ 4 आता है, आगे फेज़ 5 आते हैं. और आज एज़ पर द करेंट नॉलेज द्वारका एक्सप्रेसवे के जो भी लैंड हर्डल्स हैं वो कम्प्लीटली एक्वायर हो चुकी है. और अब ज़्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे हर्डल्स है नहीं, L&T वहाँ पर काम कर रहा है. और मैंने लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ भी डाली हैं. फ़ोटोज़ वैसे बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड है, बट स्टिल इट विल गिव यू अ गुड इन्फॉर्मेशन कि वर्क इज़ कैरीड ऑन एवरी नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे. काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और आपको काफ़ी पसंद आएगा. अगर आप वहाँ जाते हो तो यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. अब मैं आपसे बात करूं कि एक पर्सपेक्टिव से कि जो यहाँ के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें मैं लास्ट में आऊँगा. उससे पहले ये पैकेजेस मैंने आपको बता दिया, सिंस ये बहुत बड़ा है आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर मैं सारा कुछ बनाऊंगा तो वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग. इसके अलावा आप ये देखना कि जो प्रोजेक्ट्स है वो उसके भी डिटेल दिए, वो भी मैं आप देख सकते हो. और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर सब हाइपर लिंक्स यूज हैं, सो इफ़ यू क्लिक दैट यू विल डायरेक्टली गो टू दैट प्रोजेक्ट, सो देर वोंट बी मच इश्यूज. अगर किसी में हाइपर लिंक नहीं भी है तो वो आपको आप बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर हाइपर लिंक लगा दूंगा. ज़्यादातर में हाइपर लिंक्स हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इन माई वेबसाइट, सो देर वोंट बी एनी इशू. अब मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ राइज एंड फॉल ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे. देखो द्वारका एक्सप्रेसवे का एक राइज भी देखा गया, बिकॉज अगर आप देखते हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी क्लोजर टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज़ द बेसिक जो सबसे बेसिक रीज़न है गुड़गांव का डेवलप होने का और गुड़गांव के कमर्शियल एक्टिविटीज़ सुपरसीड करने का और अदर NCR के रीज़न से. उसका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न IJA एयरपोर्ट भी है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट की साइकोलॉजी देखोगे तो पीपल वॉन्ट टू बी क्लोजर टू देयर एयरपोर्ट्स, क्योंकि उनका ट्रू एंड फ्रॉ ईजी हो सके. उनके ऑफिसेज में जो गेस्ट आते हैं, चाहे फॉरन गेस्ट हैं चाहे इंडियन गेस्ट हैं, उनका ट्रू एंड फ्रॉ ईजीली हो सके, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने ऑफिसेज वो एयरपोर्ट के पास रखें. और यही वन ऑफ द रीज़न है कि इन स्पाइट ऑफ बींग अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव सुपरसीड्स नोएडा इन टर्म्स ऑफ द कंपनी. कि अभी भी जो हाई प्रोफाइल कंपनीज है दे लव टू बी इन गुड़गांव एज कम्पेयर टू बी नोएडा, इन स्पाइट ऑफ बींग अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. बींग इन गुड़गांव आई कैन इजिली से दैट नोएडा हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुड़गांव, बट इसके बावजूद भी गुड़गांव में ज़्यादा अच्छी कंपनीज है. अब जो इसका जो राइज हुआ, सो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन होने के कारण, आसपास डिप्लोमेटिक इनक्लेव डेवलप होने के कारण, और लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये जगह कैन बी अ बेटर प्लेस देन दिल्ली, जो बिल्कुल सही भी लाइक बेटर प्लेस नॉट इन फॉर दिल्ली, लाइक गुड़गांव के जो एग्जिस्टिंग प्लेसेस है वहाँ से बेटर हो, गोल्फ कोर्ट से कम्पीट कर सके हम. सो दिस कैन बी अ गुड रियल इस्टेट हब, सो यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे तो वी कैन गेट द प्रॉफिट्स. तो ये सारी चीज़ें हुई, रियल इस्टेट वहाँ बहुत ही हाइपर रहा. और जब से मास्टर प्लान आया फ्रॉम 2006 टू लाइक 2012 तक द्वारका एक्सप्रेसवे का काफ़ी हाइप रहा मार्केट में. और अगर आप प्राइजेस की बात करोगे तो प्राइजेस ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड हो गए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डबल टू ट्रिपल्ड. और उसके बाद रेट्स इतने बढ़ गए कि लास्ट में जब एक किसी भी चीज़ का टॉप आता है या मतलब एक हाई एंड प्राइस आ जाता है किसी चीज़ का कि यार दिस इज़ द एक्सट्रीम लेवल, तो उस वक्त तक द्वारका एक्सप्रेसवे कुछ प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस अप टू 12,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट चले गए थे, जो एग्जिस्टिंग उस वक्त के शायद गोल्फ कोर्ट रोड के प्रोजेक्ट से भी महंगे थे या बराबर के थे. सो दिस वॉज अ ओवर हाइप विच वॉज क्रिएटेड. और ये सडनली चेंज होने लग गया लोगों का माइंड सेट द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रति, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स थे. वन ऑफ द रीज़न क्या था कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे को एज अ प्रोजेक्ट किया गया कि 4-5 ईयर्स बाद द्वारका एक्सप्रेसवे सारा कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ के सेक्टर वो डेवलप हो जाएंगे, लोग रहने लगेंगे, जो एक प्रोजेक्टेड व्यू होता है किसी भी चीज़ का. सो क्या हुआ कि बट ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट थी. द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत सारे लैंड हर्डल्स से काम शुरू नहीं हुआ था, और लैंड हर्डल्स भी कुछ छोटे मोटे लैंड हर्डल्स नहीं थे, देवर वेरी बिग लैंड हर्डल्स, जिसमें से सबसे बड़े अगर लैंड हर्डल की बात करोगे तो न्यू पालम विहार था, जो एक कम्प्लीटली एक पूरी की पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, उसके ऊपर 200 हाउसेस. सो पूरा का पूरा जो न्यू पालम विहार था, जो पूरा 200 हाउसेस वहाँ थे, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिए थे. और न्यू पालम विहार वाज द बिगेस्ट हर्डल. उसके अलावा गुड़गांव में बहुत सारे पैचेस थे, ऑलमोस्ट 15-16 पैचेस थे, जहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट अपने आप को कम्पिटेंट फील नहीं कर पा रही थी वहाँ रोड एक्वायर करने के लिए. और इसके अलावा दिल्ली साइड बिल्कुल अनएक्वायर्ड था, और
सो बहुत सारे रीजंस थे. तो ग्राउंड रियलिटी जब लोगों को 5-6 ईयर्स गए वहाँ, लोगों को लगा कि नहीं यार वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा जो इंटरनल सेक्टर्स भी हैं, जो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने न्यू गुड़गांव में ज़्यादा अच्छे डेवलप कर दिए थे उस वक्त तक, वो भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता. सीवेज लाइन बिल्कुल ख़राब थी, पानी की कनेक्शन नहीं पहुँची थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची थी. सो प्रोजेक्ट्स अगर डिलीवर भी हो गए तो उसके आसपास कुछ बसावट नहीं थी. इसके कारण से एक द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत नेगेटिव माइंडसेट डेवलप हो गया और एक ऐसा सिचुएशन आया कि द्वारका एक्सप्रेसवे ने लोगों को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया. लोग वहाँ जाना तक छोड़ दिए, लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी की बात करनी भी छोड़ दी, और जो जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई थी उन्होंने इंस्टॉलमेंट देने भी बंद कर दिए. और इस कारण से एक बहुत बड़ा क्रैश क्रंच आया, बहुत प्रोजेक्ट्स वहाँ रुक गए, कोई नए प्रोजेक्ट्स बिक नहीं रहे थे, प्राइजेस बहुत गिर गए, और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रही. फिर एक कुछ ग्राउंड वर्क वॉज बींग डन फ्रॉ आफ्टर 2014. देखो 2014 या 15 का पीरियड मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप एग्जिस्टिंग इस, देखो मैं पॉलिटिकल बियासनेस के हिसाब से नहीं कह रहा, बट फॉर टर्म्स ऑफ गुड़गांव अगर आप देखोगे तो जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो सेंटर में थी चाहे वो स्टेट में थी, उनका गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति ज़्यादा पॉजिटिवनेस था. और उन्होंने जगह जगह पर, हर जगह, इनफैक्ट नॉट इन सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ अगर गुड़गांव में भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सारे फ्लाईओवर्स डेवलप किए, बहुत सारे अंडरपासेस डेवलप किए, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक हीरो होंडा फ्लाईओवर्स जो बहुत नेसेसरी था, जिसके कारण से गुड़गांव वॉज बिकमिंग अ हेल लाइक प्लेस. सो वो उन्होंने डेवलप किया और इनफैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली बिहेव करने स्टार्ट कर दिया. और इसका सबसे ये मेन एग्जांपल ये था कि उसको द्वारका एक्सप्रेसवे को अब उन्होंने एक नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया. देखो नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके लैंड के जो लॉज होते हैं वो आपके फेवर में आ जाते हैं. नाउ आप कोर्ट में ज़्यादा क्लेम कर सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट कैन क्लेम कि नाउ इट्स नेशनल हाईवे. सो एक तरीके से दे हैव मोर एज ऑन कोर्ट ओवर द जो वहाँ पर क्लेमेंट थे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिनके घर आ रहे थे, जो भी एग्जैक्ट. और इसके अलावा बहुत उन्होंने प्रोएक्टिवली बिहेव किया. सो काफ़ी लगभग 4 साल से 2014 से 18 तक कुछ कुछ काम चलता रहा, बट लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो चुके थे कि लोग उसके बावजूद भी द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ झांकना नहीं चाहते थे. सो बट क्या होता है, जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. सो आफ्टर 2018 सडनली थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. ठीक है, सो एक स्टेटस क्यो ब्रोक हुआ, लोग अब देखने लगे वहाँ जाकर. अब जब लोगों ने जाकर देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि यार इंटरनल रोड काफ़ी चेंज हो चुके हैं, बहुत सारा काम हो चुका है. और उसके बाद कई सारे मेजर रोड ब्लॉक्स जो द्वारका एक्सप्रेस वे थे वो रिमूव भी हो गया था, और रेल ब्रिज जैसा भी कंप्लीट हो गया था. तो लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट भी आने लग गया, और एक मीडिया हाउसेज में भी थोड़ी पॉजिटिव लुक दिखाने लग गई. लोग देखने लगे कि नहीं यार सामने सामने कई जगह एक्वायर हो रहे हैं. और इनफैक्ट जब न्यू पालम वीआर एक्वायर किया तो बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए कि नहीं, क्योंकि लोगों को लगता था कि क्या पता कब ये एक्वायर होगा या नहीं होगा, बट उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा. उसके बावजूद गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे मैंने आपको बताया रेल ब्रिज बना दिया. उसके बाद इन्होंने ना कुछ बेसिक जगह है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे को ओल्ड गुड़गांव से वेल कनेक्ट किया, जो रोड्स को ब्रॉडनिंग की, उद्योग विहार जो काफ़ी बड़ा आईटी हब है वहाँ से कनेक्ट किया लोगों ने ओल्ड, जैसे. और इसके अलावा हीरो होंडा चौक बनने से भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे ट्रू एंड फ्रो बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इस कारण से हीरो होंडा से आप द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल स्ट्रेट जा सकते हैं. सेक्टर 10A के तरफ 10A को ब्रॉडन भी किया इन्होंने. तो एक जो इन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे खुद डेवलप करने के साथ साथ एग्जिस्टिंग एरियाज के साथ भी इन्होंने कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी स्टार्ट कर दी. सो बाय 2018 ऑलमोस्ट जितने भी हर्डल्स थे गुड़गांव साइड में वो एक्वायर हो चुके थे, और अब तो इनफैक्ट दिल्ली साइड में भी हर्डल्स एक्वायर हो चुके हैं. हर्डल नहीं थे, देर वॉज सम डिस्प्यूट फॉर लाइक गवर्नमेंट के दो डिफरेंसेस थे कि सम ऑफ देम जो मतलब रिलेटेड टू प्लांटेशंस का, मतलब रीप्लांटेशन कैसे करना है, कुछ करना है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट के कुछ क्लेम्स थे उनको एक्सपेक्ट उनको मतलब वो क्लियर करके दिल्ली साइड पे भी इन्होंने अपना एक एज डेवलप कर लिया है. इसके अलावा बाकी चीज़ें भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे लाइक सीवेज पाइपलाइंस हर जगह जगह बसने लगे. और अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताऊं कि द्वारका एक्सप्रेसवे ही सिर्फ एक रोड नहीं है जो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा एक अल्टरनेट रोड भी चलती थी पैरेलल, इसको राघोपुर रोड भी कहते हैं. दिस इज़ अ पैरेलल रोड जो मैंने रेड से मार्क किया है. इस रोड को भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया. सो दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी आप इक्वली ट्रेवल कर सकते थे. सो अगर ये रोड शुरू नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये रोड शुरू हो गया. तो एक ये भी पॉजिटिवनेस आया, यहाँ के थ्रू भी लोग द्वारका एक्सप्रेसवे को असेस करने लगे. और उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पर, देखो बिल्डर्स ने वहाँ डिसअपॉइंट भी किया और लोगों को खुश भी किया. कुछ बिल्डर्स थे जिन्होंने वहाँ के माइंडसेट को चेंज किया, लाइक एक उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा शोभा इंटरनेशनल सिटी.
इन स्पाइट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत बैड फेस चलता रहा, बट उसके बावजूद भी सोभा इंटरनेशनल सिटी ने एक बहुत लग्जरियस विला कम्युनिटी डेवलप की। अगर आप वहाँ कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर जाना, देखना। सो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी मिलने लग गई जो शायद गुड़गांव के और लोकेलिटी में नहीं मिलती। कुछ और प्रोजेक्ट्स है, ATS ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, उनके अगर आप टर्मिलिन जाते हो देखने, यू गो टू देयर प्रोजेक्ट्स लाइक टर्मिलिन है, ट्रम्फ है, मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड इनफैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ककून है। सो उनके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी लोगों को पसंद आने लगे, एक्सपीरियन के भी प्रोजेक्ट्स लोगों को बहुत पसंद आने लगे, टाटा का गेटवे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बट फॉर शॉर्ट आप ये प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। बिल्डर्स ने, कई बिल्डर्स ने बहुत ही रिमार्केबल प्रोजेक्ट्स बनाए जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव में नहीं थे, और इससे लोगों को ये भी लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ एक अच्छा या लग्जरी रियल एस्टेट हब डेवलप नहीं हो सकता। सो वो चेंज हो गया, स्टार्ट होना। अब पॉइंट ये एग्जैक्ट कि यार अब एक सपोज मान लो कि अब मैं एज ए फ्यूचर देखूँ गुड़गांव का एज ए रियल इस्टेट हब, द्वारका एक्सप्रेसवे का एज ए रियल इस्टेट हब, सो क्यों द्वारका एक्सप्रेसवे एक रियल इस्टेट हब बन सकता है इन फ्यूचर? और एक तरीके से इट कैन आइदर बी इक्वेटेड विद गोल्फ कोर्स रोड या इट कैन सुपर सीड ऑल्सो। इनफैक्ट इट कैन, इट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी टू सुपर सीड प्लेसेज लाइक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, न्यू गुड़गांव। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखो वो प्रॉक्सिमिटी हमेशा रहेगी, अगला कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी डेवलप होना है वो आपको पता है नोएडा के किस तरफ डेवलप होना, नोएडा से भी बहुत दूर है, वहाँ से भी और बहुत सालों में डेवलप होना है, तो वो बहुत लंबा टेन्योर है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो कनेक्टिविटी वो उसे हमेशा बेनिफिट देगा, क्योंकि उससे कॉर्पोरेट्स भी आते हैं और उससे लोग भी आते हैं, क्योंकि गुड़गांव के जो एक पॉपुलेशन है उनको रेलवे की कनेक्टिविटी से ज़्यादा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मैटर करती है, कॉर्पोरेट्स को भी वही मैटर करती है। और इसके अलावा जो लोग उद्योग विहार 1-5 में काम करते हैं, साइबर सिटी, इन्फो सिटी, पे सिटी 1-2, ये वो इस तरह से, उसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो चुकी है। सो वहाँ इनफैक्ट ओल्ड गुड़गांव पालम विहार के लोग से भी इनकी कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, तो जो लोग वहाँ वर्क करते हैं उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहना इज़ अ गुड ऑप्शन। और सबसे अच्छी बात क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही रिनाउंड डेवलपर्स वहाँ काम कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल मैं आपको शोभा का दे सकता हूँ, MR दे सकता हूँ, ATS, टाटा, महिंद्रा, एक्सपीरियन, गोदरेज, शाहपुरजी पालन जी, M3M सारे एक्टिवली इन्वॉल्व, और नीचे मैं पूरा का पूरा लिस्ट दे दूंगा। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी न्यू गुड़गांव से भी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट आप देखोगे और मानेसर से भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है धीरे धीरे करके, और कुछ हद तक हो भी चुकी है। सो ये मैंने एक मैप प्रोड्यूस किया है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है आपका, दिस इज़ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, ये भी 160 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, और ये अभी यहाँ एक रोड ब्लॉक है जो कनेक्ट होने के बाद दिस कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मानेसर। अब मानेसर इज़ वाई मानेसर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मानेसर भी बहुत बड़ा IT हब बन रहा है, और यहाँ पे भी कई सारी IT कंपनीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सेटअप कर रही है, कुछ बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ है उस कारण से भी मानेसर अब, मतलब अब धीरे धीरे करके अपने एज ए इंडस्ट्रियल से वो दैट इज शिफ्टिंग टू IT प्लेस। सो इसको एज ए एडवांटेज, मानेसर का भी एक एडवांटेज मिलता है कि यहाँ काम करने वाले लोग भी द्वारका एक्सप्रेसवे को प्रेफर कर सकते रहने के लिए या कम। और दूसरी चीज़ है, इनका अपना एक खुद कमर्शियल बेल्ट है पूरा का पूरा, लाइक जैसे ये आप देख सकते हो जितने ब्लू डॉट्स हैं ये दे आर ऑल कमर्शियल बेल्ट्स। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास सारे कमर्शियल बेल्ट्स डेवलप होंगे, इससे ये एक जगह सेल्फ सस्टेन्ड सिटी भी बन जाएगी। मेट्रो का रूट है यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो गवर्नमेंट को लाना है, अगर वो अभी फिलहाल नहीं भी आता तो एक सेकंड जो सब अभी गुड़गांव के कोई बहुत सारे अल्टरनेट रूट्स बनाए गए हैं जो शायद मोर फीजिबल हो फिलहाल के लिए, तो उसमें भी द्वारका एक्सप्रेसवे में 104-105 के आसपास वो मेट्रो स्टेशन भी जाती है। उसके अलावा आप देखोगे तो एक क्लोवर लीफ बनना है जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो CPR पोर्शन है उसको SPR से कनेक्ट करेगा, दिस इज द क्लोवर लीफ, ये ढोलकवाटा एक क्लोवर लीफ बना है। सो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकते हो विदाउट एनी हर्डल, सो इससे भी कनेक्टिविटी काफ़ी सुधरेगी। इसके अलावा दिल्ली से, साउथ दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाएगी द्वारका एक्सप्रेस बनने के बाद, ठीक है। और एम्बेसीज इज़ प्लान्ड ऑन दिल्ली साइड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, उसके अलावा कई सारी IT कंपनीज भी प्लान्ड है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स प्लान्ड हैं जो आने हैं। इसके अलावा अगर आप जाओगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो मैं आपको पूरा एक गुड़गांव का एक फंडा बताता हूँ एग्जैक्टली, बहुत सारे स्कूल्स हॉस्पिटल्स आ रहे हैं आने हैं। गुड़गांव को जब प्लान किया जाता है, किसी भी सेक्टर्स को प्लान किया जाता है, तो गवर्नमेंट एक इक्वेशन देती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में इतने कमर्शियल्स आएंगे, इतने रेजिडेंशियल आएंगे, इतना उसमें सोशल एम्यूनिटीज़ आएंगी लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, पब्लिक यूटिलिटी, सारी की सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। सो ऐसा नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेस वे वो चीज़ें नहीं आएंगी और हमेशा ही आपको इन जगह पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और आ भी रही हैं धीरे धीरे करके। सो द्वारका एक्सप्रेस वे पे हर सेक्टर्स में ये चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे करके, और वो एक धीरे धीरे सेल्फ सस्टेन बन जाएगा। 25 से 30 कमर्शियल है जो 2020-21 में डिलीवर हो जाएंगे, सो देर विल बी अबंडेंट नंबर ऑफ ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, शॉप्स, एंटरटेनमेंट जोन। सो इससे क्या होता है ना कि एक आपका ना एक वो आ जाएगा कि यार जैसे यू विल बी ए सैटेलाइट सिटी, बट आपका अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस भी बन जाएगा। वॉट हैपेंड विद गुड़गांव, गुड़गांव कैन बी डिपेंडेंट ऑन दिल्ली, बट गुड़गांव इज इटसेल्फ अ सेल्फ सस्टेन्ड, यहाँ खुद के ऑफिसेज है, खुद अपने
हाउसेज हैं, किसी हद तक तो ये दिल्ली को भी सुपरसीड करता है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, कि कई कॉर्पोरेट्स हैं जो दिल्ली में रह के भी गुड़गांव में आके काम करते हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं. तो इनफैक्ट नाउ इट्स अ सेल्फ सस्टेन्ड प्लेस. सो सेम थिंग विल हैपन विद द्वारका एक्सप्रेसवे. उसके अलावा जो इनके जो मैंने आपको बताया था कि स्कूल हॉस्पिटल से एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा. और द्वारका एक्सप्रेसवे ना, जो एक्सप्रेसवे जब बनेगा, इसका पूरा एनिमेशन आप देखना, ये बहुत ही सुंदर होगा, एक वर्ल्ड क्लास रोड होगा. और इस ये रोड जब बनेगा तो इसमें इसके दोनों तरफ वॉल फेंसिंग होगी, क्योंकि कैटल आ जा नहीं सकता. और कम्प्लीटली मतलब इट विल बी काइंड ऑफ रोड जहाँ आप सीधा 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. सिग्नल फ्री होगा, कहीं आपको रुकने की जरूरत नहीं है. सो ट्रांसपोर्टेशन विल बी वेरी इजी, टू एंड फ्रो करना बहुत ईजी रहेगा. और एक टाइम के बाद जब आपको कुछ अच्छा मिलता है, लाइक ओल्ड दिल्ली रोड के बाद जब NH8 या NH48 बना था, सो ओल्ड दिल्ली रोड को लोग भूल के NH8 को यूज़ करने लगे, सेम थिंग माइट हैपन विद द्वारका एक्सप्रेसवे. क्योंकि NH48 पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है दिन, सो पीपल आर जस्ट वेटिंग डाई हार्टेडली टू गेट इट कम्प्लीट. Once it is completed, so people will start using that. So एक बहुत ही to and fro active area बन जाएगा वो. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अब वहाँ पर धीरे धीरे करके लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की भी डिमांड शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे हम और फर्दर डेवलपमेंट देख रहे हैं. और बिल्डर्स भी इसमें लग्जरी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, वहाँ पर आप एक से एक पेंट हाउसेज विलास देख सकते हो. और पायलट्स के लिए तो दैट्स अ फेवरेट प्लेस. और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए द्वारका एक्सप्रेस बहुत सूटेबल है. तो धीरे धीरे करके एज अ जब लग्जरी का टैग लग जाते हैं तो प्राइसेस भी वहाँ धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, क्योंकि बिल्डर्स को अगर अच्छे प्राइसेस मिलेंगे सो तो वो दे विल ब्रिंग इट विद गुड कनेक्टिविटी. और इसकी जो एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी जैसे वेस्ट दिल्ली से है, और इसके अलावा वसंत कुंज, वसंत विहार, साउथ दिल्ली, द्वारका एक्सप्रेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा. तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ का जो अपना क्राउड है, दे कैन आइदर शिफ्ट टू दिस प्लेस, या जो वहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के वर्क कर सकते हैं. तो आइदर वे एक मतलब एक हाई परचेजिंग पावर जो क्लाइंट्स होते हैं उनका एक किसी तरीके से रियल स्टेट में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा. सो जैसे देखो, जैसे जैसे लोगों का ना एक पॉजिटिवनेस बढ़ता है, वैसे वैसे वहाँ के रेट्स बढ़ते हैं, रेट्स बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी की क्वालिटी बढ़ती है. एक इस तरीके से पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है. और इसके अलावा जो आज के डेट में आप देखते हो, तो अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे अब ज़्यादा हैबिटेशन हो चुकी है. सो सोशल डेवलपमेंट्स जो सब, अगर लोग वहाँ बसने लग जाए तो धीरे धीरे डिमांड शुरू हो जाती है और लोग उस तरफ जा रहे हैं. सो आज की बात नहीं कर रहा मैं. देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे इतना हाइप हो चुका है, इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि मैं कहूँगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे आज बहुत डेवलप हो जाएगा तो वो नहीं होगा. बट आई एम मेरा जो टाइटल भी है कि हाउ द्वारका एक्सप्रेसवे विल लुक लाइक इन 2024-25, तब तक मुझे लगता है कि इट विल बी नेक्स्ट सेंटर ऑफ गुड़गांव. क्योंकि दो अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखोगे या बाकी कुछ कनेक्टिविटी देखोगे या बाकी और चीज़ें देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे हैज़ दैट एडवांटेज कि वो वैसी चीज़ें बन सकती है. वो क्यों नहीं बनी? ड्यू टू गवर्नमेंट विलिंगनेस, अनविलिंगनेस, या फिर ओवर हाइपनेस कि जो चीज़ें 10 साल में होनी है उसको आप 4 साल में प्रिज्यूम कराते हो. सो बट अब सारी चीज़ें ऑन रियलिटी, ऑन ग्राउंड है. आप द्वारका एक्सप्रेसवे जाओगे तो यू विल सी द वर्क, यू विल सी द पीपल, यू विल सी द प्रोजेक्ट्स, यू विल सी कंस्ट्रक्शन गोइंग एवरीवेयर. सो अब देयर इज सम रियलिटी. अब एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, एक रियलिटी है. अब बहुत ईजिली लोग कन्विंस हो रहे हैं, हम अगर प्रोजेक्ट्स पे दिखाते लोगों को जाकर. सो अब जो था लोगों का कि नाउ पीपल, सो लोग बहुत ईजिली वहाँ टू एंड फ्रो करना चाह रहे हैं. और इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे मैंने पिक्स आपको दिखाई थी, अब मैं बात करता हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स की. क्योंकि देखो, बिल्डर्स कैन बी द पायनियर ऑफ दैट एरिया. इन्फोग्राफिक्स मैंने आपको आई थिंक सारी शेयर कर दी है, और ये चीज़ आप जरूर पढ़ लेना, पैकेज 1-5. इससे आपको एक बहुत ब्रीफ हो जाएगा और बहुत इजी होगा कि अगर आप ये सारी की सारी वीडियो को एक बार अच्छे से चला लेना. क्योंकि इसका लिंक मैं YouTube के साथ जरूर शेयर करूँगा. और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन है, पैकेज 1-5, तो इट्स अप्रूव्ड इन्फॉर्मेशन. इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, मिक्सअप नहीं है. ठीक है, अब जो रिनाउंड डेवलपर्स का मैं आपसे बात करूँ, तो मैंने जितने भी रिनाउंड डेवलपर्स है, रिनाउंड की बात करूँ, मैंने सारे डेवलपर्स नहीं लिखे, जो बहुत एक्टिव है, जिनके अच्छे प्रोजेक्ट्स है वो दे दिए आपको, और सारे हाइपर लिंक्स हैं. सो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू रीड अबाउट दैट बिल्डर्स also you can read. इसके अलावा टाउनशिप्स जो बहुत फेमस है, टाउनशिप वो होते हैं जहाँ प्लॉट्स, विलास, ये सब होते हैं. सो सोबा इंटरनेशनल सिटीज ऑफ कोर्स द बेस्ट, यू कैन सी एंड यू कैन फील इट डायरेक्टली. BPTP पे एमस्टोरिया 102 में है, G99 है, एक्सपीरियन वेस्ट इंडीज है. ये चार मेजर टाउनशिप्स है द्वारका एक्सप्रेस वे पे फाउंडेड. इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ पॉपुलर अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव में, तो मैंने दो कैटेगरी में बांटा है इसको, एक तो न्यू प्रोजेक्ट्स, एक या रेडी टू मूव इन या नियर पोजेशन या अंडर कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ थिंग. सो अगर आप न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करोगे, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना है कि सिंस वो एक फ्यूचरिस्टिक प्लेस है, आज आपको अट्रैक्टिव रेट, अट्रैक्टिव पेमेंट पे हमें चीज़ मिल रही है, तो यू शुड बाय समथिंग विच इज़ न्यू, क्योंकि उसका जब तक पोजेशन मिले तब तक वो एरिया डेवलप हो जाए. सो फ्यू थिंग्स विच कैन बी रिकमेंडेड एंड आई कैन सजेस्ट यू, लाइक हीरो होम्स 104, यू कैन सी जॉय विलेज बाय शाहपुरजी. शाहपुरजी इज अ वेरी गुड डेवलपर, हीरो इज अ वेरी गुड डेवलपर. गोदरेज के प्रोजेक्ट है मेरिडियन, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट ऑन 106. शोभा सिटी है 108 में, आप देख सकते हो. ATS ग्रैंड स्टैंड है,
अगेन ATS इज अ वेरी गुड डेवलपर. शोभा शेट्टी को तो जरूर देख लेना एक बार प्लीज़. उसको ना सबसे अच्छी बात क्या है, दे आर द बिल्डर जो आपको ना बिल्कुल कंस्ट्रक्शन की भी एक स्टेप्स दिखाएंगे. दे डोंट फोकस ऑन सिंपलीफाइड, दे फोकस ऑन जहाँ पूरा का पूरा आपको कंस्ट्रक्शन का वो दिखा सके कि फेजेस ऑफ किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ब्यूटीफुली दे हैव मेड इट. सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज ऑफ टाइम, पीपल आर मोर अवेयर. वो ये भी जानना चाहते कि यार तुम मेरे प्रोजेक्ट पे क्या लगा के दोगे और मुझे लाइव में दिखाओ. तो शोभा ने बिल्कुल इसे एक डिस्प्ले बनाया है, अमेजिंग प्रोजेक्ट. अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से शोभा सिटी बुक करना चाहे रहने के लिए भी, तो दैट्स अ बेस्ट प्लेस. ठीक है, अब मैं बात करूँ रेडी टू मूव इन. अब कई लोग आज भी उस माइंडसेट से जी रहे हैं कि क्या पता मेरा प्रोजेक्ट पोजेशन मिले नहीं मिले, या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी नेसेसिटी के कारण दे वॉन्ट टू लिव देयर. ऐसा नहीं है कि दे माइट बी रॉन्ग, ठीक है, उनको क्योंकि वो रहना चाहते हैं वहाँ, उनको आज रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी चाहिए, उनका आज ही वहाँ रहने का काम है. सो यू देर आर सम प्रोजेक्ट्स विच हैव गिवन, मोस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो हाइपर लिंक. इट इज टर्मिलिन 109, मस्ट सी, ट्रम्फ, मैरी गोल्ड देख लो, ककून देख लो, अदानी ऑयस्टर देख लो, पारस ड्यूज है, गोरेज समिट है, कॉन्सेंट हेरिटेज मैक्स, एम्पीरियल गार्डन, एम्पीरियल ग्रेन्स, एक्सपीरियन हथसोंग, वुडशायर, एम्थ्रियम, एक्सपीरियन विंड ट्रेंड, पूरी एमरल्ड बे, टाटा गेटवे, टाटा लविडा, और भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बट दीज आर सम क्लासिफाइड प्रोजेक्ट जो मैं कह सकता हूँ वाली बात है. सो मैंने आपको ये सारे के सारे चीज़ें बता दी हैं और आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी. और इनफैक्ट मैं आपको ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम इन सारे प्रोजेक्ट्स पे डील करते हैं, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए. आप मैं नंबर भी इस वीडियो के साथ दूंगा, आपको जब हम कॉल कर लेना, वी विल अरेंज योर साइट विजिट्स. आप आओ, वी विल हमारे जो अपने एक्सपीरियंस हमारा जो अपने एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे. वी विल शो यू ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, उस हिसाब से यू कैन डिसाइड. वी विल नॉट मेक यू स्टिक टू अ सिंगल प्रोजेक्ट. हम आपको ना अगर हमसे डील करना है तो हम आपको एक रेंज देंगे ताकि आप देखो उस चीज़ को, अवेयर हो. और बाकी हमारे वीडियो मेरे अगर बनाए हुए कई सारे वीडियोज़ देखोगे तो प्रेजेंटली आई हैव अराउंड 140 वीडियोज़ इन माई चैनल. सो अगर आप मेरे वीडियोज़ भी देखोगे तो बहुत सारी अवेयरनेस आपको वहाँ से भी मिल सकती है, और कई कई प्रोजेक्ट्स के, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे. सो सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हो. ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं. देखो, कस्टमर्स आर मोर अवेयर, दे लाइक टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो मैं उसकी तरफ आई एम वर्किंग ऑन इट, और इसीलिए मैंने ये सब रैंडम वीडियोज़ बनाने शुरू किए कि ताकि टाइम बचे और हम रैंडमली बहुत कुछ बोल पाए जो हम ऐसे नॉर्मली नहीं बोल पाते. और इस वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फ्रूटफुल फॉर यू. और कुछ अगर चीज़ें मैंने मिस कर दी इस रैंडम वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, या मुझे फोन करके बता देना कि दिस इज इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट. वील श्योरली गिव दैट इन्फॉर्मेशन टू यू. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक्स.